हेलो फ्रेंड्स, फॉर अवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की ठीक इस वक्त करेंट फीलिंग, उनकी आपको लेकर के क्या है इस पर रीडिंग। तो क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो जहाँ पे नंबर है, जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए, स्ट्रेंथ क्यों चाहिए, प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए। थ्री ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, थ्री ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए। देखिए जोड़क साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। ठीक है, यहाँ पे सेजिटेरियस और लियो दो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। नंबर की अगर हम बात करें तो 2 नंबर 2 2 4 3 8 एंड 14 एंड 5 नंबर, ठीक है, तो ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 8 8 की एनर्जी भी है यहाँ पे, 8 8 दिख रहा हो, 2 2 दिख रहा हो, यहाँ पे 8 8 की एनर्जी है, 8 8, ठीक है। फाइनेंशियल अबंडेंस कहीं ना कहीं से आने वाली है ऐसा देख सकते हैं आप या उसके बारे में कंसर्न है। आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत सीक्रेटिव, आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, प्योर सोल हैं, बहुत डिवाइन फेमिनाइन की तरह हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हो सकते हैं और आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपको सब कुछ पता चल जाता है, वो आपको ऐसे देखते हैं। ठीक है, चीज़ों को आपके साथ में बैलेंस करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, क्या कहना चाहिए, जो आपने दिया है वो आपको वापस करना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, बट कन्फ्यूज़ हैं ये। यहाँ पे लेकर के कन्फ्यूज़ नहीं है एक्चुअली, इनके पास दो सिचुएशन है जहाँ इनमें दो में से किसी एक को चुनना है, वो सोच समझ के निर्णय ये लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, मैरिज को लेकर के, अपनी ज़िंदगी में मैरिज के बारे में और अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी को लेकर के ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ये अपनी एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है ट्रेडिशनल वे में मैरिज करने के लिए उनके ऊपर एक फोर्स डाला जा रहा हो कुछ लोगों के केस में, तो ये उसको लेकर के और आपको लेकर के कंफ्यूज है। यहाँ पे ये चीज़ है, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं कि ये किससे शादी करें, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, तो कि उधर जाएँ या आपकी तरफ जाएँ। ठीक है, आपके साथ एक बॉन्ड फील करते हैं ये कहीं से पैसे का वेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस के आने का वेट कर रहे हैं, फिर उस वजह से रुके हुए हैं कि आपको ये ऑफर करें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, तो वहाँ पे उनको ये लग रहा है कि ये वहाँ से नहीं आ सकते, वहाँ से निकल के नहीं आ पा रहे हैं, इस वजह से वो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपके साथ एक अच्छी हैप्पी फैमिली बसाना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं और ये वेट कर रहे हैं फाइनेंसिस के आने का अपनी ज़िंदगी में, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, सेटल कैरियर सेटल हो जाए उसके बाद डिसीजन लें, ऐसा ये चाहते हैं।
ये बहुत मतलब इन्होंने खुद से आपसे एक दूरी बनाई हुई है, इमोशनली ये डिटैच हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, इस आसान नहीं है इनके लिए, ठीक है, आपसे दूरी बनाना। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपसे इमोशनली मूव ऑन किया होगा अपनी कैरियर पे फोकस करने के लिए, लेकिन आप लोगों के बीच में इस दूरी ने इतनी दूरी ला दी है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको इन्होंने खो दिया है, ठीक है, इस तरीके की इनकी एनर्जी। तो अब इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इस बारे में लगानी पड़ रही है कि ये आपकी तरफ कैसे आएँ, आपको वापस कैसे अपनी ज़िंदगी में लेकर के आएँ, हील कैसे करें चीज़ों को, ठीक कैसे करें, ये इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इनका मैसेज इस वक्त क्या है, बाकी चीज़ें डिटेल हम देखेंगे रात को 10 से 10:30 के बीच में जो रीडिंग आएगी उसमें देखेंगे। आई एम सॉरी, आपके पर्सन आपको बहुत इंट्यूटिव प्योर सोल मानते हैं, ठीक है, बहुत आप बहुत धार्मिक हो सकते हो, स्पिरिचुअल हो आप, डिवाइन फेमिनाइन हो, ट्रस्ट वर्दी हो आप, और आपको अपने ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा, इंट्यूशन बहुत मजबूत है आपकी, बहुत अच्छी है, बहुत हाई मॉरल वैल्यूज़ हैं आपके, मतलब बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं आपको, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, काफ़ी पिक्चर इससे क्लियर हो जाएगा। आई नीड ओनली वन मैसेज, प्लीज़ डिवाइन बताइए। चलो मैं दोनों पढ़ देती हूँ, हो सकता है दो तरीके के लोग, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पहले भी है, प्लीज़ विल यू गिव मी अ सेकेंड चांस। यस, जैसे मैंने बोला हीलिंग चाहते हैं, इन्होंने आपसे एक दूरी बनाई थी अपने करियर को सेटल करने के लिए, ताकि ये आपसे इमोशनली डिटैच हो जाएं, ताकि अपनी पढ़ाई पे या अपने काम पे ध्यान दे सकें, ठीक है, आपसे बात करने के दौरान हो सकता है ये बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया, लेकिन उस दूरी ने आप लोगों को परमानेंटली काफ़ी हद तक दूर कर दिया है, मतलब तो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है। तो ये कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे सेकेंड चांस दोगे या दोगी, और ये कहते हैं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मतलब लड़का है लड़की है वैसे आप ले लेना। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर रेजोनेट हुई होगी, अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। और मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 11 11, इसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हो। बॉटम की एनर्जी है, दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी, वी विल मीट सून फॉर एवर। तो ये आपके साथ एक डिवाइन लव फील करते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम फील करते हैं, ठीक है। तो ओके, बाय।